हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आऊँ 125 सीसी सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा स्पोर्टी एंड गुड लुकिंग बाइक ऑल न्यू 2023 TVS रेडर 125 का सेकंड टॉप मॉडल आज अपने सामने खड़ा है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस बाइक की 2023 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, इस बाइक का माइलेज, फीचर्स एंड टॉप स्पीड के बारे में। वीडियो को पूरा वॉच करिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की। तो 1,17,500 रुपये की आपको बाइक ऑन रोड मिल जाती है जयपुर सिटी के अंदर। अभी के टाइम पे आपको इस बाइक के अंदर एक नया अपडेट देखने को मिल जाता है। 2023 में आपको इस बाइक के अंदर E20 का अपडेट देखने को मिल जाता है। तो आने वाले टाइम में आप इस बाइक को E20 पेट्रोल से भी चला सकते हो। तो एक नए अपडेट के साथ में आपको बाइक देखने को मिलने वाली है। अब स्टार्ट कर लेते हैं इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल। इसके ऊपर एक तरफ को TVS की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। जैसे ही आप इस बाइक की को ऑन करते हो तो फ्रंट पर को जो डे टाइम रिंग लाइट देखने को मिलती है ऑन हो जाती है। जैसे ही आप इस बाइक के इंजन को स्टार्ट करते हो तो इस बाइक की ऑल ओवर LED हेडलाइट ये ऑन हो जाती है। साइड में आपको नॉन फ्लेक्सिबल एलोजन टर्न इंडिकेटर आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके के। 240mm की डिस्क आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। इस बाइक के अंदर आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। इसके फ्रंट में टायर सेक्शन की बात करो तो 1818 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। ये बाइक आपको ड्यूअल टोन कलर के साथ में देखने को मिलते हैं। ग्लॉसी कलर के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। अब बात लेते हैं इस बाइक की साइड प्रोफाइल। तो साइड में आपको TVS का हॉर्स देखने को मिलता है 3D क्रोम में कुछ इस तरीके का। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक की मिल जाते हैं। अभी के टाइम पे आपको इस बाइक के अंदर E20 का अपडेट देखने को मिल जाता है। 2023 में अब आप इस बाइक को E20 पेट्रोल से भी चला सकते हैं। इसके ऊपर की तरफ को चार्जिंग पॉइंट का सॉकेट देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छा फीचर्स आपको इस बार इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इसके अंदर आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ को RPM ग्राफ, स्पीड लिमिट, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, डिजिटल क्लॉक, ट्रिप 1 ट्रिप 2, लो फ्यूल वार्निंग, चेक इंजन लाइट, रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंट टू MPT, साइड स्टैंड इंजन का टॉप, लो बैटरी वार्निंग एंड इस बाइक की टॉप स्पीड की बात करो तो 100 किलोमीटर पर आवर्स की टॉप स्पीड आपको इस बाइक की मिल जाती है। इस बाइक के अंदर आपको सिंगल हॉर्न सुनने को मिल जाता है। सबसे अच्छा फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर मोड्स का देखने को मिल जाता है। तो इस बाइक के अंदर आपको मोड्स का ऑप्शन मिल जाता है। इको मोड एंड पावर मोड का बटन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप इस बाइक को इको मोड पर चलाते हो तो बाइक आपको काफी अच्छा माइलेज निकाल कर देती है। पावर मोड पर इस बाइक का पिकअप एंड परफॉर्मेंस काफी अच्छा खासा हो जाता है। तो ये अच्छे फीचर्स के साथ में आपको बाइक देखने को मिल जाती है। इस बाइक की करवेट की बात करूँ तो 123 kg का करवेट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की। तो इसके अंदर आपको 125 cc का एयर ऑयल कूल इंजन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है जो 11.2 bhp की पावर जनरेट करता है, 11.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 5 gears के साथ में आपको बाइक देखने को मिल जाती है। बॉडी कलर के साथ में आपको इस बाइक का इंजन काउल देखने को मिल जाता है। इस बाइक के साइड में आपको रेडर की ब्रांडिंग देखने को मिलती है 3D क्रोम में कुछ इस तरीके की। ड्यूअल सीट ऑप्शन के साथ में आपको बाइक देखने को मिल जाती है। 780mm की सीट हाइट आपको इस बाइक की मिल जाती है। अगर आपके 5 ft 6 in 5 ft 5 in तो भी आप इस बाइक को इजीली राइड कर सकते हो। आपको इस बाइक को चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। तो इसके रियर में आपको पिलियन के लिए एडजस्टेबल फुटरेस्ट देखने को मिल जाते हैं एल्युमिनियम के साथ में। एल्युमिनियम का साइलेंसर आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है। इसके रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। 1970 इंच के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक के रियर में आपको 130mm के ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं। इसके रियर में आपको सिंगल पीस ग्रेवल देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके के एल्युमिनियम के साथ में। इसके नीचे की तरफ को LED टेल लाइट देखने को मिलते हैं। लॉक का सिस्टम आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आपको TVS की ब्रांडिंग एंड नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर। साइड में भी आपको इस बाइक के अंदर रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। लेडीज फुटरेस्ट आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है। तो फैमिली पर्पज के हिसाब से बाइक एक नंबर हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के माइलेज की। तो ये बाइक आपको 45 से 50 का माइलेज इजीली निकाल कर दे देती है। तो अगर आप 125 cc सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा स्पोर्टी एंड फीचर्स लोडेड बाइक ढूंढ रहे हो तो ये बाइक आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। तो ये था इस बाइक की एक स्मॉल सर्वे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहे।